जो हमारी हित की बात करेगा, जो मजदूर कर्मचारियों के हितों की बात करेगा, जो मजदूर के बच्चों के बारे में भविष्य के बारे में सोचेगा, हम उसी सरकार को वोट देंगे, चाहे सरकार कोई भी हो। 400 पार भेजना और या 400 से नीचे रखना हमारे ही हाथ का काम है, वो उनके हाथ का नहीं है। जनता जनार्दन के हाथ में होता है कि किसको कहाँ पहुँचाना है, और जो हमें OPS देगा हम उसी को वोट देंगे। अगर सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है तो हम वोट की चोट करेंगे। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त आप मेरे पीछे तमाम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और जिस चीज को लेके ये बैठे हैं आप हाथ में इनके वो देख लीजिए, भारत से नो पेंशन स्कीम भगाना है, युवाओं का भविष्य बचाना है। मतलब इनका कहना है जो ये नई पेंशन स्कीम आई है इसके तहत इनका जो भविष्य है वो भी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कह रहे हैं कि NPS को हटाओ और OPS को बहाल करो। तमाम ये नारे भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे एक बार लोग फिर से OPS को लेके एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे एक बार फिर से, आप लोग तमाम नारे लगा रहे हैं, एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं OPS को लेके? NPS को रद्द करें, OPS को बहाल करें, जो 3 फ्रिज किस्त की हुई है DA की वो जल्दी बहाल करें, 8वें पे वेतन आयोग का गठन करें ताकि 2026 में दोबारा से इसको लागू किया जा सके। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है जो आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? हम लोगों की मुख्य 3 मांगे हैं। NPS रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, DA एरियर की तीनों किस्त का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, और 8वें पे कमीशन के लिए कमेटी का गठन जल्द से जल्द किया जाए जिससे 2026 में समय से 8वां पे कमीशन लागू किया जा सके। इन्हीं 3 मुख्य मांगों को लेके हमने 8/1/2024 से 11/1/2024 तक कर्मी कंसन किया है। उसी क्रम में आज हमारा यहाँ पे भूख हड़ताल और ये प्रचंड प्रदर्शन इसी क्रम में है। इन मुख्य 3 मांगों को लेके NFIR के आह्वान पे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का आज ये प्रचंड प्रदर्शन इन्हीं मुख्य 3 मांगों के लिए है। यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं साथ, मतलब कब से चल रहा है और भूख हड़ताल भी आज से ही जारी हुई है क्या आपकी? ये 8 जनवरी 2024 से और 11 जनवरी 2024 तक ब्रांच लेवल पे कर्मी कंसन किया गया था, और आज अंतिम दिन 5वें दिन यहाँ डिवीजन लेवल पे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने ये आखिरी दिन का यहाँ पे भूख हड़ताल रखी हुई है। आप लोग यहाँ पर आए हैं और जो पेंशन है उसको लेके हम तमाम मांगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब राजकोष में धन ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे आप लोगों को पेंशन? नहीं, ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। GST का कलेक्शन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और पेंशन देने से सरकार को कोई उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा शो कर रहे हैं। बंगाल में भी तो दे रहे हैं, वो तो कभी नहीं कहते कि हमारे ऊपर बर्डन है, जबकि उनका तो इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं है बंगाल का। ये तो उनके इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो देना चाहते हैं। तो आप लोगों का NPS से क्या दिक्कत है, क्योंकि NPS अगर लाई गई है प्रधानमंत्री द्वारा तो कुछ सोच समझ के ही लाई गई होगी आप लोगों के भले के लिए। NPS में कुछ गारंटेड नहीं है। जो आदमी पूरी लाइफ एक जॉब करता है यहाँ पे, तो जो जिस सैलरी स्ट्रक्चर में काम करता है उसको बाहर भी नहीं निकल पाता गवर्नमेंट में कभी आने के बाद। प्राइवेट जॉब में तो लोग कभी भी जॉब चेंज कर लेते हैं और उनका सैलरी एकदम डबल हो जाता है, या तो लाइफ टाइम उसे यहीं पे काम करना है और जब वो रिटायर होकर जाएगा तो उसके बाद में उसको क्या मिलेगा ये कुछ गारंटेड नहीं है, क्योंकि सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा तो उस समय क्या कंडीशन होगी। तो इसलिए जो अनिश्चितता है उसकी वजह से लोगों में काफ़ी रोष है। NPS के लिए तो यह है कि एक नेता अगर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए भी एक जगह से जीत जाता तो उसके लिए पेंशन की स्कीम लागू हो जाती है, लेकिन एक जो कर्मचारी है 30-40-35 तक साल तक काम करता है, सेवा करता है, एक नौकरी करता है, उसके लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं है। तमाम यहाँ पे लोग जो NPS के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि OPS को बहाल करो, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि NPS लाए हैं तो सोच समझ कर ही लाए होंगे। सर, क्या कहेंगे आप ये जो चीजें आप OPS के लिए कर रहे हैं? पहले भी लोग OPS की मांग को लेकर रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे, एक बार फिर आप लोग यहाँ पे आए हैं। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम के अपने बेनिफिट्स हैं,
और हमारी तीन मेन मांगे हैं। आज हम अपने इस संघर्ष में चौथे दिन में हैं, 9, 10, 11। आज पूर्ण आहुति अभी नहीं है, अभी संघर्ष और करना है। न्यू पेंशन स्कीम अगर जैसा कि आप कह रही थी मोदी जी कुछ सोच समझ के लाए होंगे तो अग्निवीर क्यों फेल हुआ? और न्यू पेंशन स्कीम के ड्रॉबैक्स हैं, अभी मेरे यहाँ एक एक्स सर्विसमैन रिटायर हुए हैं, उनकी 500 रुपये पेंशन है, क्या 500 रुपये में घर चल सकता है एक महीना? कदापि नहीं चल सकता। बहुत सारी बातें हैं, मांगे तो हमारी बहुत हैं, सिर्फ तीन मेन मांगे हैं। एनपीएस को भगाना है, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना है, और जो हमारा 18 महीने का डीए का एरियर फ्रीज हुआ है उसको भी बहाल कराना है। जय हिंद, जय भारत। लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जो एनपीएस को हटाना है और ओपीएस को बहाल करना है, यहाँ पे फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं आप लोग, सरकार पे दबाव ही नहीं बन पा रहे, आप लोग तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्यों कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही? ये ओपीएस को लागू करने के लिए जो यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है, इस बार समस्त कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है तो हम वोट की चोट करेंगे। अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो मंत्रियों के और नेताओं के लिए क्यों नहीं लागू की गई, केवल हम कर्मचारियों के लिए ही क्यों लागू की गई? और आप लोग कह रहे हैं वोट की चोट से हराएंगे, ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार हम 400 पार लेके आएंगे, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? 400 पार भेजना और या 400 से नीचे रखना हमारे ही हाथ का काम है, वो उनके हाथ का नहीं है। जनता जनार्दन के हाथ में होता है कि किसको कहाँ पहुँचाना है, और जो हमें ओपीएस देगा हम उसी को वोट देंगे। लेकिन सरकार इतने दावे वादे लगातार कर रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोल दिया कि हम लाल किले से झंडा फहराएंगे ही फहराएंगे, अपने राइट के लिए, उस पे आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के अकेले के वोट से सरकार नहीं बनेगी, यहाँ 150 करोड़ जनसंख्या निर्णय करेगी कि किसको लाल झंडा फहराना है और किसको नहीं फहराना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे फिर से तमाम लोग जो है मिनी से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो एनपीएस को लेके जो मांग है इनकी कि एनपीएस हटना चाहिए और ओपीएस दोबारा आना चाहिए। सर, आप लोगों की भूख हड़ताल चल रही है इतने दिनों से, कुछ सरकार के ऊपर दबाव बन पाया है कि नहीं बन पाया? बन पाएगा, अगर ऐसे ही हमारी एकता रही, एकजुटता रही तो जरूर दबाव बनेगा। इसलिए ये एनपीएस दो तीन मुद्दे हैं हमारे, ये मजदूरों के जो एनपीएस है, जो नए लड़के भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन नहीं है रिटायर होने के बाद, अब हम चाहते हैं कि जो रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन लगनी चाहिए। एक 18 महीने का मेरा एरियल है वो रोका हुआ है सरकार ने, ये इसलिए क्रमिक अनशन जो चल रहा 4 दिन से, आज उसका कल अंतिम दिन था, आज ये उसी के लिए विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तमाम जो नेशनल मीडिया है, जो जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, वो चीज़ तो तमाम चर्चे में चल रही, वो चीज़ दिखाई भी जा रही है, लेकिन आप लोग जो आंदोलन में बैठे वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, तो सरकार तक बात कैसे पहुँचेगी? ये तो अब सरकार, जो मीडिया है, जो उनकी सरकार है, ये अपनी मनमानी कर रही है, मीडिया इन्होंने खरीदा हुआ है, जो हमारी आवाज़, ये जो अनशन चलता है, जो पीछे हमारा रामलीला मैदान में चला वो भी कवरेज नहीं दिखाई गई हमारी। अब ये हम तो मीडिया, आप जैसे जो हमारी आवाज़ आप जैसे ही ऊपर तक पहुंचाओगे, आपसे मैं यही उम्मीद है। इससे पहले भी ओपीएस को लेके जो रामलीला मैदान में तमाम लाखों की तादाद में लोग आए थे, है ना, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी, आप लोग फिर से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मतलब क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा, क्योंकि लगातार आंदोलन उठते रहते हैं ओपीएस को लेके? अब तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, अगर ना इन्होंने हमारी ये बातें मानी तो उसके बाद हड़ताल का लास्ट मुद्दा हमारा फिर हड़ताल ही है जी। अब हड़ताल करेंगे, उससे पहले जो किसानों ने आंदोलन करा तब सरकार को झुकना पड़ा, उसके बाद ड्राइवरों का चला, अब ये हमारा रेल का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, अगर हमारी रेलवे ने हड़ताल कर दी तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। 2023 से 2024 आ गया है लेकिन अभी तक नहीं सुनी है सरकार ने, तो मतलब कहाँ, कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो इनका ये
भी कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है इनका ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा। इस तरीके से किसानों के आगे झुकना पड़ा था तमाम सरकार को और जो ट्रक ड्राइवर थे उनके आगे झुकना पड़ा था, तो इनका ये भी कहना है कि तमाम जो इनका आंदोलन है वो जारी रहेगा और ऐसे ही ये हड़ताल बनाए रखेंगे। सर क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे और मोदी सरकार दावे वादे कर रही है कि हम इस बार 400 के पार लेके आएंगे? हम सिर्फ गवर्नमेंट से कर्मचारी यही चाहते हैं कि जो हम मेहनत करते हैं, जो हम मजदूरी करते हैं, उसका हमें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत तोहफा दिया जाए, हमारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। नहीं तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का अगर आदेश होगा, अगर ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, अगर ये केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी का अगर आदेश होगा, तो हम रोड का चक्का भी जाम करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इतना जो राम मंदिर बना है उसकी वजह से इतना कर्जा हो गया है कि अब कहां से देंगे वो पैसा? आप लोगों को पुरानी पेंशन कहां से पैसा देंगे? ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो आदमी, जो मजदूर काम कर रहा है, जो मजदूर इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम उसकी मेहनत का फैसला, उसकी मेहनत का इंतजाम तो देना चाहिए। जो मेहनत करता है उसका फल तो मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तमाम ये चीजें नजर आ रही हैं कि अगर मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बन रहा है, आप ही लोगों के लिए बन रहा है, तो महंगाई और ये सब चीजें तो सहनी पड़ेंगी ना। पेट नहीं भरेगा मजदूर, जो मजदूर मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जब उसका पेट नहीं भरेगा तो मंदिर में जाके क्या करेगा वो? जब तक कि हमारा पेट भरना चाहिए, हमारे परिवार का भरण पोषण हो, हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, जब हमें रेल से पैसा मिलेगा रिटायर, हम 30-35 साल नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद हमारे एक उम्मीद होती है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम मिलेगी। पुरानी पेंशन स्कीम में हमें कई कई हजार रुपए का फायदा होता है और जो हम मेहनत करते हैं उसका पैसा मिलता है, लेकिन जो नई पेंशन स्कीम में मात्र 1200-1400-1500 रुपए मिलता है, उससे हम अपने बच्चों का क्या सहारा पाल पाएंगे? और जब बच्चे नहीं होंगे तो हम परिवार कैसे बना पाएंगे? और जब परिवार नहीं है तो हम देश को कैसे चला पाएंगे? हम देश के भविष्य है, हमारे बच्चों, हम नवयुवक साथियों के साथ ये अन्याय न किया जाए। हमें पुरानी पेंशन स्कीम जैसे सभी सरकार, जैसे नेताओं को मिलता है वैसे हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन जो भी जो मोदी जी हैं वो अभी उद्घाटन में व्यस्त हैं, वो कैसे सुनेंगे आप लोगों की बात? मोदी जी ये 2004 से मुद्दा चल रहा है, वो कभी कभी लुभावन दे देता, कभी कभी लुभावन वाली बातें कर देता, हम लोग आ जाते, लेकिन 2004 से आज तक अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। और आप लोग साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम लाएगा सरकार उसी की बनेगी, मतलब उसी को वोट देंगे आप? जो हमारी हित की बात करेगा, जो मजदूर कर्मचारियों के हितों की बात करेगा, जो मजदूर के बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचेगा, हम उसी सरकार को वोट देंगे, चाहे सरकार कोई भी हो। जो हमें पुरानी पेंशन स्कीम देगा, जो हमारी महंगाई भत्ता को देगा, हम उस सरकार को भाग होगा जो पुरानी। तमाम सरकार का ये भी कहना है कि राजकोष में जब धन ही नहीं है तो कहां से देंगे पैसा? इसका जिम्मेदार कौन है? हम मेहनत करते हैं, आज आप बड़े बड़े फर्म बना रहे, सब कुछ बना रहे, पैसा कहां से आ रहा है? कम से कम जो मजदूर मेहनत कर रहा है, रेल कर्मचारी जो इतनी मेहनत से काम करता है, इतनी लगन से काम करता है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से आपकी मुख्य मांग ये है कि ओपीएस को लागू करना चाहिए, वरना ये हड़ताल आपकी रुकेगी नहीं, ऐसे ही जारी रहेगी। हमारे केंद्रीय कर्मचारी कहे, हमारे केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी महोदय कहेंगे, माननीय राघवैया जी, माननीय पीसी शर्मा जी, अगर वो कहेंगे तो हम रेल के चक्का भी जाम कर देंगे, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। उनका जो भी आदेश होगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। क्या लग रहा है आपको, कब तक सुनी जाएगी? मतलब सरकार को कुछ नोटिस वगैरह आपने दिया होगा इस चीज को लेके? इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन आ गया है, बहुत सुंदर मौका है। अगर कर्मचारियों की सहित में जो भी बात करेगा, जो भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगा, हम उसको वोट देंगे। एक तरीके से अगर देखा जाए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सरकार जो है जो उद्घाटन में व्यस्त है, तो क्या लग रहा है उनको वोट लेने के उसमें है कि आस्था की भावना लोगों की जुड़ी होती है राम मंदिर से? तो हम कहते हैं अभी भी लागू कर दे, उद्घाटन के बाद लागू कर दे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए। जो सरकार पुरानी पेंशन लागू करेगी,
हम उसको वोट देंगे। तमाम यहाँ पे चीजें देखने को मिल सकती हैं आपको, यहाँ पे जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं, तमाम चीजें देखने को मिल रही है कि अगर जो सरकार जो है उद्घाटन में व्यस्त है, उद्घाटन के बाद लागू कर दो, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम को लेके लोग जो आंदोलन कर रहे हैं 2004 से चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार हमें बस फंसाने का काम कर रही है, धोखाधड़ी में रख रही है और पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही है। एक बार फिर से ये लोग आंदोलन के लिए उतरे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है, भूख हड़ताल है इनकी। और एक बार हम आपको ये पोस्टर दिखा देते हैं कि उत्तरी रेल मजदूर यूनियन भूख हड़ताल दिनांक 8 से 11 जनवरी 2024, 8 तारीख से ये चल रहे हैं और आज 11 जनवरी तक ये चलेगा। और तमाम चीजें नजर आ रही है कि सरकार के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब देखा ये जाना है कि क्या होता है, सरकार इनकी सुनती है कि नहीं, कब तक ये आंदोलन चलता रहता है। वही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।